DCS सेकेंड सेम IT ट्रेंड सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट सेकेंड आज देखने वाले हैं। यूनिट सेकेंड, जैसे कि पिछले वीडियो में यूनिट फर्स्ट के कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, आज की वीडियो में यूनिट सेकेंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में अपन ने देखा था मल्टीमीडिया के बारे में, बेसिक पूरा कि मल्टीमीडिया क्या होता है और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। यूनिट सेकेंड में उन्हीं एलिमेंट को एलेबोरेट किया गया, बढ़ाया गया है, बताया गया है डिटेल में कुछ अलग अलग जो मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत की गई है टेक्स्ट से, टेक्स्ट क्या होता है और कंपोनेंट टेक्स्ट के बारे में समझाइए, यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 आता है यूनिट सेकंड से। तो इसको अपन समझ लेते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं यूनिट सेकंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट सेकंड IT ट्रेंड सारे क्वेश्चन लगभग कवर करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको एग्जाम में चीज़ों को समझ अगर आप जाते तो आप अपने से भी क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। टेक्स्ट डेटा का सबसे सरलतम रूप होता है, इसमें सबसे कम स्टोरेज स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने देखा वीडियो है या इमेज है या साउंड है, कोई भी अदर आप एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया अगर किसी व्यक्ति को भेजते तो उसको लोड होने में टाइम लगता है, वो इसलिए क्योंकि उनका साइज ज़्यादा होता है। लेकिन टेक्स्ट जो होता है वो सबसे कम साइज का मल्टीमीडिया एलिमेंट होता है, सबसे कम साइज का होता है, इस कारण से ये सबसे तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है और इसमें डेटा भी आपको कम लगता है। अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का प्रयोग सूचना को टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट के निर्माण की मूल इकाई टेक्स्ट ही होती है। एक ईमेल मैसेज में प्रायः कुछ टेक्स्ट फील्ड होते हैं। हाल ही में हुए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में टेक्स्ट का महत्व पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। टेक्स्ट और सिंबल जो किसी भी रूप में हो, बोले गए या लिखित रूप में, कम्युनिकेशन के सबसे सामान्य सिस्टम होते हैं। टाइटल स्क्रीन मेन्यू एवं बताने के लिए लेवल्स डिजाइन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका अत्यंत सही एवं सशक्त अर्थ होता है। टेक्स्ट का प्रयोग नाम, पता, विवरण, परिभाषाओं एवं अन्य प्रकार के डेटा के लिए किया जाता है। टेक्स्ट की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो पैराग्राफ स्टाइलिंग, कैरेक्टर स्टाइलिंग, फॉन्ट फैमिली, साइज, ये सभी इससे रिलेटिव लोकेशन शामिल होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। टेक्स्ट कई तरह के होते हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है। क्या होता है थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब जिसको ना तो बोल्ड किया गया हो, ना तो इटैलिक किया गया हो, ना तो उसके नीचे अंडरलाइन लगाई गई हो, ना तो कोई कलर किया गया हो, ना तो उसका फॉन्ट फेस चेंज किया गया हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज की गई, बिल्कुल प्लेन। आप कुछ टाइप कर रहे हैं बिल्कुल प्लेन विदाउट एनी फॉर्मेशन, अगर कोई टेक्स्ट लिखा है वो प्लेन टेक्स्ट में आता है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट की अगर बात करें, ऐसे टेक्स्ट जिनका या तो साइज बड़ा किया गया हो या उनकी उसको इटैलिक किया गया हो या उसमें कोई स्टाइल या कोई फॉन्ट फेस उसमें अप्लाई किया गया हो, ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट की कैटेगरी में आते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी टेक्स्ट में किसी अन्य वेबसाइट की या किसी इमेज की या किसी दूसरे पेज की या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लिंक दी जाती है उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे आप इंटरनेट पे देखते हैं, जब गूगल आप करते हैं कोई जानकारी को तो गूगल पे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो ब्लू कलर के टेक्स्ट से लिखा हुआ होता है, तो वो जो टेक्स्ट होते हैं उस पर क्लिक करने पर आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाते हो, तो वो जो ब्लू टेक्स्ट होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या होते हैं इनके प्रकार, इसके बारे में देखा। एक होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आपने सुना होगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर आपने नहीं सुना है तो जब आप MS यहाँ पर वर्ड पैड ओपन करते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जब आप अपने लैपटॉप पे वर्ड पैड ओपन करें, नोट पैड आपने सुना होगा, नोट पैड के बाद आपने वर्ड पैड सुना होगा, वर्ड पैड जब ओपन किया जाता है इसके फाइल में जाएंगे, सेव एस में जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप देखोगे तो ये जो वर्ड पैड की फाइल होती है ना, ये रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव होती है। जैसे कि नोट पैड जो होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, वैसे ही वर्ड पैड जो होती है वो RTF फाइल होती है, रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है जिसके रूप में ये सेव होती है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट इंटरचेंज के लिए 1987 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को रीड राइट कर सकने में समर्थ होते हैं। अच्छा, सबसे शुरुआत में क्या हुआ, नोटपैड बना, नोटपैड बनने के बाद MS वर्ड बना, MS वर्ड बनने और नोटपैड बनने के बीच में वर्ड पैड का निर्माण किया गया था, जो नोटपैड, क्योंकि नोटपैड में किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग की सुविधा आपको नहीं मिलती थी, केवल साइज आप छोटा बड़ा कर सकते थे, वर्ड पैड से शुरुआत हुई थी फॉर्मेटेड टेक्स्ट के। तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप देखेंगे वर्ड पैड में आपको मिल जाएगा। अब HTML की बात करें, HTML का भी छोटा सा टॉपिक दिया गया है टेक्स्ट के अंतर्गत। HTML में क्या होता है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट को एक कोड के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, जिसके माध्यम से आप अपने जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं वेबसाइट के रूप में या जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं टेक्स्ट में, वो HTML टैग के माध्यम से आप आसानी से
कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग के बारे में समझाइए। इससे संबंधित एक वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को अलग से कंप्लीट डिटेल में समझ सकते हैं। इसके बाद मल्टीमीडिया में फॉन्ट की आवश्यकता को समझाइए। फॉन्ट का यूज कंप्यूटर के सभी डॉक्यूमेंटेशन और एडिटिंग प्रोसेस में किया जाता है, जैसे कि मूवीज, पोस्टर, स्टाइलिश नेम लिखने में, व्हीकल नंबर प्लेट लिखने पे। आज के समय में हर जगह आप कोई भी फॉन्ट देखते हैं वो अलग अलग स्टाइल, अलग अलग डिजाइन से लिखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से आप चाहें तो फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें से फॉन्ट होता है, टाइप फेस होता है, ये सारी चीज़ें आप इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन करना क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल, साइज कैसे बढ़ाई जाती है, इन सब की डिटेल भी आप वहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी बताया गया है नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फेस क्या होते हैं, फॉन्ट क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप समझाने के लिए इस प्रकार से इस इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी शब्द लिख रहे हैं, ये आपने एक शब्द लिखा वो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये शब्द जो लिखे हुए हैं इसमें जो स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं एक्स हाइट। ये जो स्मॉल लेटर जितने होते हैं इसकी हाइट कहलाती है एक्स हाइट, ठीक है। तीन, यहाँ पर तीन भागों में करेक्टर को बांटा गया है, एसेंट, मीन लाइन और डिसेंट। जो डिसेंट होता है वो सबसे नीचे के भाग को कहा जाता है, एसेंट होता है जो शब्द होते हैं उसके ऊपर के भाग को कहा जाता है। अब ये जो टेक्स्ट लिखने का एरिया होता है, इस टेक्स्ट लिखने के एरिया में जो मीडियन वाला भाग होता है, बीच का भाग होता है, वो एक्स हाइट होती है। मीडियन ऊपर का हिस्सा कैप हाइट कहलाता है और नीचे के हिस्से को बेस लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है और इसके बारे में डिटेल आप चाहें तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखी गई है, जैसे अभी मैंने बताया कि कहाँ पर क्या होता है, इसे आप टेक्स्ट के रूप में भी टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे प्रोपोर्शनल स्पेसिंग होती है, जहाँ पर वर्ड्स के बीच में इस प्रकार से फिक्स्ड पिच और मोनो स्पेस्ड होते हैं। वर्ड्स कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, मोनो स्पेस्ड फॉन्ट क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट क्या कहलाते हैं, ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स क्या कहलाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे इस प्रकार से, ये जिसको बोलते हैं ना, ये कर्सिव टाइप का आपको दिखाई देता है लिखा हुआ, ये ऑर्नामेंटल फॉन्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार से डिंग बैट फॉन्ट होता है, डिंग बैट फॉर्म फॉन्ट क्या होते हैं, ये इस प्रकार की जो डिज़ाइन दी जाती है इन सभी को बोला जाता है डिंग बैट फॉन्ट। ये बहुत कम जगह पर आप इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन एमएस वर्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार के फॉन्ट दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अगला फॉन्ट साइज की अगर बात करें तो फॉन्ट साइज आप आसानी से फॉन्ट के अंतर्गत आप देखेंगे, वहां पर आपको फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट स्केलिंग करते होता है फॉन्ट के साइज को बदलना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते होता है फॉन्ट को चौड़ाई को बदलना बिना इसकी ऊंचाई बदले, वर्टिकल स्केलिंग करते होता है फॉन्ट की हाइट को बदलना बिना इसकी चौड़ाई को बदले। ट्रैकिंग फॉन्ट क्या होता है, ट्रैकिंग का आप देखेंगे प्रत्येक कैरेक्टर के दाएं ओर की जगह को एडजस्ट करती है। ट्रैकिंग बढ़ाने के से सभी टेक्स्ट के में स्पेस की मात्रा बढ़ती है, ट्रैकिंग को घटाने से सभी टेक्स्ट के बीच की स्पेस कम हो जाती है और पेज डार्क दिखाई देने लगता है। मतलब ये जो इनके बीच की स्पेलिंग, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैकिंग लिखा है, यहाँ जो लास्ट वाला ट्रैकिंग लिखा है इनके बीच में जो टेक्स्ट है उनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है, तो ये कहलाता है ट्रैकिंग फॉन्ट, ठीक है। इसी प्रकार से लीडिंग फॉन्ट की अगर बात करें, लीडिंग का अर्थ होता है लाइनों के बीच की स्पेसिंग। एक लाइन आपने ऊपर लिखी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी लाइन नीचे लिखी, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है, इन दोनों के बेस लाइन में जो स्पेस होती है उसको बोला जाता है लीडिंग फॉन्ट, ठीक है। इनके बेस लाइन में जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है लीडिंग फॉन्ट। इसी प्रकार से कर्निंग होता है, कर्निंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग होती है जो अलग अलग होती है। कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, यहाँ पर के और एक ई के बीच में आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, जैसे आई और एन के बीच में आप देख पा रहे हैं, ये कहलाता है कर्निंग, जो कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग होती है। इसके बाद आता है मल्टीमीडिया में साउंड के बारे में समझाइए। ओवरऑल टेक्स्ट के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, टेक्स्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, ये आपको समझाना है। मल्टीमीडिया में साउंड के बारे में अगर बात करें तो साउंड क्या होता है, साउंड एक ऐसा कंपन है जिसे सुनने की शक्ति के आधार पर पहचाना जाता है। सामान्यतः हम उसे वाइब्रेशंस को सुनते हैं जो हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन साउंड गैस तथा तरल के जरिए भी चल सकता है या निर्वात के जरिए गमन नहीं करते हैं। जैसे कि बाहरी अंतरिक्ष में जब वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हमें तंत्रिका मानोवेगों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब फिर मस्तिष्क में भेजा जाता है जो हमें साउंड के मध्य अंतर की सुविधा देते हैं। ज़्यादा तकनीकी भाषा में अगर साउंड एक लचकदार पदार्थ में फैले हुए दबाव पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल गति में होने वाला घटाव तथा बढ़ाव है।
तो सरल भाषा में अगर इसको समझे, साउंड क्या होता है? साउंड एक प्रकार का कंपन होता है, वाइब्रेशंस होता है, जिसको हम सुनते हैं तो उसमें हमको किसी शब्द के होने का एहसास होता है, और जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जानकारी का आवागमन कर सकते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब साउंड के अंतर्गत अगर बात करते हैं, दो प्रकार के मुख्य रूप से साउंड का इस्तेमाल होता है, एक होता है मोनो साउंड, एक होता है स्टीरियो साउंड। आपने इसके बारे में सुना होगा। मोनो साउंड होता है मतलब जहां पर एकल ध्वनि उपकरण का उपयोग किया जाता है, जहां पर आपको सिंगल साउंड, अगर आप हेडफोन लगाते हैं या आप कोई भी डिवाइस में सुनते हैं गाना, और अगर आपको दोनों कान में एक बराबर सी आवाज़ आ रही है तो वो मोनो के अंतर्गत है। और जो आपका स्टूडियो साउंड होता है उसमें आप देख रहे 3D गाने सुनते हैं, जहां पर आपको आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है कि भाई एक साइड से आवाज़ दूसरी साइड जा रही है, या आप थिएटर में अक्सर इसके बारे में आप जब भी आप साउंड सुनते हैं तो थिएटर में भी ऐसा साउंड होता है, लेफ्ट से आवाज़ आती है, कभी राइट से आवाज़ आती है। तो इस प्रकार का ऑडियो जहां पर लेफ्ट और राइट दोनों चैनल का उपयोग होता है वो कहलाता है स्टीरियो ऑडियो, और जहां पर सिंगल चैनल का उपयोग होता है वहां पर मोनो ऑडियो कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है साउंड फाइल के विभिन्न फॉर्मेट को समझाना है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पे दिया हुआ है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न कॉन्सेप्ट ऑफ मिडी के बारे में, मिडी क्या होता है? एक कमेंट भी आया था कि मिडी के बारे में अलग से कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मिडी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली मिडी अगर अपन समझे सरल भाषा में, मिडी एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जिसको बोला गया है। ये क्या करता है, एक डिवाइस होती है जो विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर सकता है, जिसको अपन मिडी बोलते हैं। ये एक डिवाइस होती है जो विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है और उसको कंप्यूटर के माध्यम से कम्युनिकेट करना, सिंक्रोनाइज करना, कंट्रोल करना, ये सारे काम मिडी के माध्यम से किए जा सकते हैं। अब बात करें साउंड एडिटिंग मिक्सिंग के लिए सॉफ्टवेयर बताएं, तो यहाँ पर बहुत सारे साउंड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक AVS ऑडियो एडिटर है, साउंड फोर्ज है, ये बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ऑडियो को अगर अपन बात करें तो एडिट करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। मैं इनके अलावा आज के वीडियो में आपको Audacity के बारे में बताता हूँ, Audacity किस प्रकार से काम करता है। ये भी एक ऑडियो एडिटिंग वेबसाइट है, या आप बोल सकते हैं एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है। ये Audacity हमने ओपन किया, यहाँ फाइल पे जाते हैं, इंपोर्ट ऑप्शन में जाते हैं, ऑडियो इंपोर्ट में जाते हैं, और कोई भी फाइल जिसको हमने रिकॉर्ड किया है वो WAV फॉर्मेट में होनी चाहिए। उस फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर देखेंगे ये तो हो गया साउंड, साउंड के बीच में ये आपको जो दिखाई देता है, मतलब ये जब मैंने गैप दिया हुआ है, इस गैप में आपको बहुत सारा नॉइज दिखाई देगा, ये आपको देख पा रहे होंगे। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नॉइस रिमूवल के अंतर्गत जाके इसके नॉइस को रिडक्स करेंगे, रिड्यूस करने के लिए, और फिर हम इसको सिलेक्ट करके रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस होने के बाद आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से, जो साउंड पहले इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था नॉइस, वो नॉइस यहाँ पर कम हो गया है। इसके बाद आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करके अपने वीडियो में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Audacity ऑडियो को एडिट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप कमेंट करते हैं इसको पूरा समझना चाहते हैं Audacity को, कि किस प्रकार से Audacity से आप अपने साउंड को एडिट कर पाएंगे, तो मैं आपको डिटेल एक वीडियो इसका जरूर ला कर दूंगा।